दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी गंगुली हाट दुगई आगर से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ, और आज मैं ब्लॉग की शुरुआत दोस्तों कर रहा हूँ पिथौरागढ़ बड़ाबे अपने नैनीहाल से। तो दोस्तों कल शाम मैं नैनीहाल में पहुँच गया था। मैं वीडियो बना नहीं पाया दोस्तों रास्ते की, क्योंकि एक तो बस आई थी फुल, मैं ऐसे लास्ट में पीछे पे बैठा था, मैं इस कारण वीडियो वगैरह कुछ बना नहीं पाया। मैंने कहा चलो अब बड़ाबे अपने नैनीहाल पहुँच के ही वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, आप लोगों को भी गिफ्ट देंगे यहाँ पहुँच के। मैंने कहा चलो आज चुपचाप निकलते हैं बड़ाबे पहुँच के, कैसा लगता है यहीं पता चलेगा। और आज दोस्तों यहाँ लगेगा मेला लटौड़ मंदिर में, तो अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगा। अभी नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, अभी टीका वगैरह अभी मैंने कुछ नहीं लगाया, अभी लगाता हूँ थोड़ी देर। मैंने कहा थोड़ी अभी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे धूप के दर्शन हो रहे हैं, हल्की फुल्की सी धूप आई है, क्योंकि आज तो एक तो मौसम पूरा है बंद इस कारण। और अभी मैं मामा लोगों से भी मिलवाऊंगा आपको, और उसके बाद फिर मैं फटाफट निकलता हूँ मंदिर को, क्योंकि लेट भी हो गया हूँ। और ताऊ जी भी आए हैं, दिनेश ताऊ जी, वो भी अपने यहीं पर, उनका मकान कहीं मेरे को पता नहीं कहाँ पे हैं साथ ही आए थे पिथौरागढ़ से, साथ ही आए थे यहाँ तक गाड़ी में। तो फिर यहाँ लटौड़ा स्टेशन में उतर गया था मंदिर के, वहाँ पे से फिर बब्बू मामा आए थे मेरे को लेने के लिए। तो दोस्तों अभी जाने लग गए हम मंदिर को, और मेरे साथ है मामा की लड़की गीतू, ये है। अब फटाफट निकलते हैं मंदिर में, आज तो भीड़ भी हो रही होगी मंदिर में, हो रही होगी ना। तो अभी तो कच्ची रोड में फिलहाल हम पहुंच भी जाते हैं, घंटी की आवाज़ तो सुनने लग गई है मंदिर की। तो अब सीधे मिलते हैं आपको मंदिर में पहुंच के, तब तक वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी मैंने प्रसाद वगैरह मंदिर के लिए ले लिया है, और तेल भी है इसमें, रुई भी है, और धूप भी है, प्रसाद भी है, पिठियाँ भी है, और चंदन, और अच्छा सब चीज़ इसी में है, और फूल मैं घर से लेके आया हूँ। और ये है दोस्तों मंदिर का मेन गेट, और अभी हम जा रहे हैं अंदर को, आप लोग देख सकते हो। जय हो। तो दोस्तों आज आप लोग देख सकते हो ये मंदिर का मेन रास्ता है, अभी आप सीधे मंदिर में पहुंचेंगे, और मंदिर बिल्कुल भी जंगल में है, आप लोग देख सकते हो ये घने जंगल में लटेश्वर बाबा का मंदिर है, महादेव का। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूँ मंदिर में, और आप लोग देख सकते हो, और ये देखो जो सच्चे दिल से आते हैं ना उसी को ये दर्शन होते हैं, तो इनको बोलते हैं दोस्तों ओध। जो सच्चे दिल से आते हैं ना उसी को ये दिखते हैं, ये बताया जाता है। और काश आज मैं भी सच्चे दिल से आया हूँ तो आज मेरे को भी दर्शन हो गया। आप पहली बार देखे मैंने, और वैसे मैं मंदिर 3-4 बार तो आ ही गया हूँ। और अभी मैं दोस्तों यहाँ पे कर रहा हूँ पाठ, पंडित जी यहाँ पे, और बगल में कोई और भी आया, वो भी पाठ कर रहे हैं। तो दोनों साथ ही पंडित जी दोनों का साथ ही पाठ कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो अभी। तो दोस्तों अभी हम अर्घ से सूर्य को जल जड़ा रहे हैं। जल गंधर्वश्वाचराय शंभुम समर्पयामी नमो नमा नमो भानुभास्कराय सूर्य को जान कर हाथ जोड़ दिया। तो दोस्तों ये है मंदिर के चारों तरफ का दृश्य, आप लोग देख सकते हो, और
मैंने सोचा था मंदिर में भीड़ होगी, पर उतनी भीड़ मंदिर में है नहीं। और सच्चे दिल से आया था दोस्तों, सच्चे दिल से आके जो अंदर ओद दिखते हैं तो उनके भी दर्शन हो गए हैं। और ये है धर्मशाले वगैरह, और ऊपर को पूरा घना जंगल है दोस्तों बांस का, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों ये है पानी का धारा, और यहाँ पे बारह मास पानी रहता है। और यहाँ पे मंदिर से मंदिर में जाने से पहले पैर धोने पड़ते हो। और ये है टैंकी, आप लोग देख सकते हो बहुत फुल पानी है इस टैंकी में। और अब हम जाने लग गए हैं दोस्तों घर को, और महादेव के दर्शन कर लिए हमने अब। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी हम मेले में पहुंच गए, और मेले में इतनी भीड़ है ना आपको बता नहीं सकते हैं। मैं वहाँ पे वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट 5-10 मिनट पहले यहाँ पे से एक लड़की ने किसी का फ़ोन वगैरह चोर दिया, तो मैंने वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई। इस कारण मैं ऊपर लेंटर में आ गया, अब वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और अभी मंदिर में भी भीड़ हो रही है। आप लोग देख सकते हो ज़्यादा बर्तन वगैरह वाले आए हैं यहाँ पे, सब जाम वगैरह वाले आए हैं, कढ़ाई लेके तवे हुए और कपड़े वाले, सब दुकानें खुल रखी हैं। आप लोग आनंद उठाइए मेले का। गए मेले में से घर में, और ये है मेरे मामा का छोटा वाला लड़का, बड़ी वाली लड़की तो आपने सुबह देख ही लिया, वो भी मेरे साथ आई थी मंदिर। तो अभी मेले में से हम लोग आ गए हैं, और मामी लोग आ रहे हैं पीछे पे ही हैं जस्ट। मामा भी आ कह रहे थे अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं। मामा भी आ गए हैं मेरे, ये छोटे वाले मामा है बब्बू मामा, और इनकी लड़की भी आ गई है। क्या लाई? गाड़ी। और कान छेदने में दर्द भी हुई? नहीं हुई। तो आज इसने कान भी छेदे है। तो मामा भी आ गया अभी मेले से। क्या लाए थे? कुछ लेके आए? कुछ नहीं लाया, मैं इसके लिए सामान लाया। अच्छा, मामी लोग नहीं आए अभी? मामी लोग आ रहे हैं। कहाँ पहुँचे? नीचे आ रहे हैं, इस आ रहे हैं। अच्छा, तो दोस्तों अभी मामा तो आ गए छोटे वाले, और बड़े मामा अभी नहीं आए हैं, वो थोड़ी देर में आऊँगा बोल रहे थे। अभी मामी लोग भी आ गए, मामी जाम लेके आई है, और सगर लेके आई है, और गित्तू भी कढ़ाई लेके आई है, और मामी भी लेके आई। इसमें मेरा भी सामान है इसमें मेरा भी सामान है, मैंने एक सामान लिया था। और बिल्ली को देख के मेरी को घर वाली बिल्ली की भी याद आ गई, पर ये मेरे हाथ तो पड़ नहीं रही है। तो दोस्तों आप करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, नमस्कार, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।